हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। इसमें बात करेंगे सीडीएस के आज के हुए पेपर में, आज मतलब 8 सितंबर को हुए पेपर की आंसर की। ये जीएस पेपर की है। जीएस पेपर के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो पिछले वीडियोज में मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। पिछले 48 क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। और यदि आपको इंग्लिश से क्वेश्चंस भी देखना है, इंग्लिश के आंसर की देखना है, तो आप नीचे डिटेल्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उसमें प्रोसीड कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 49th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू महावंश। देखिए इसका सही आंसर ही मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर 1 और 2। अकॉर्डिंग टू महावंश, अशोका टर्न टू बुद्धाज धम्म वेन इज नेफ्यू निगरोध प्रीज द डॉक्ट्रिन टू हेम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दिव्य वंदना की बात करें, दिव्य वंदना स्क्राइब्स अशोका बींग ड्रॉन टू द बुद्धाज टीचिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्र ए मर्चेंट टर्न मंक। लेकिन ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन गलत है, इसलिए 1 और 2 ऑप्शन इज वली राइट। अगला क्वेश्चन है, Name the site that gives us valuable information about India's maritime links on the Coromandel coast. तो इसका सही आंसर क्या है? Arikamedu. ठीक है, Arikamedu. अगला प्रश्न है, Where are the largest quantity of cichlids found in India? तो इसका है backwaters of Kerala. ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा cichlid पाया जाता है। अगला ऑप्शन है, Which ग्रीक फिलोसोफर क्वाइंड द टर्म ज्योग्राफी इन द 3rd century BC? तो इसको क्वाइन किया है इराटोस्थेनस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ 16th century संस्कृत टेक्स्ट द वज्र भक्ति विलास विच फोकसेज ऑन द ब्रज रीजन इन नॉर्थ इंडिया। इसका सही आंसर है नारायण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज, ये क्या है? 5th स्टेट ऑफ मैटर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने बहुत कुछ सुना होगा इसको, कई बार सुना होगा इसको। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक, किस पे डिपेंड नहीं करता? मास पे डिपेंड करता नहीं करता, बाकी चीजें जैसे टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है, इन पे डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉयल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। इससे क्या डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी। अगला प्रश्न है, फूड चैन इज, फूड चैन क्या है? ये एक प्रकार का पैसेज ऑफ फूड है एंड दस एनर्जी फ्रॉम एन वन ऑर्गेनिज्म टू अंदर। तो एक प्रकार से चैन है, मतलब पैसेज होता है वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो ये है फूड चैन। अगला प्रश्न है, 58th क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा है इसमें? तो ये है, इट इज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो ये ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज ए फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द, सो इट इज एसोसिएटेड विद द प्लास्टिड्स। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड। काफी महत्वपूर्ण वर्ड है, काफी ज्यादा यूज होता है इस टाइम पे। तो इसका सही आंसर है, ए राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर शेयर ऑफ वर्किंग एज पीपल इन द पॉपुलेशन। देखिए, वर्किंग एज पीपल इन द पॉपुलेशन, ये मेन पॉइंट है, ये है डेमोग्राफी डिविडेंड। अगला प्रश्न है, विच वन द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI। तो ये है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द हाउसहोल्ड्स एंड मिसलेनियस फीस एंड फाइंस। ओके, अगला प्रश्न है, द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी रिफर्स टू विच वन द फॉलोइंग। तो ये है द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगला प्रश्न है, इंडेक्सेशन इज ए मेथड हुज यूज कैन बी एसोसिएटेड विद विच वन द फॉलोइंग। तो ये एसोसिएट किया था कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए कार अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार इज, कितना होगा? ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, ऑब्वियस बात है। अगला प्रश्न है, एन इको इज हर्ड आफ्टर 5 seconds ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड विच मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 340 meters per second, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड विच प्रोड्यूस द इको। इसका सही आंसर होगा 0.85 किलोमीटर। आप कैलकुलेट कर लें, यदि आपको नहीं पता तो मैं इसको नीचे कमेंट कर दूंगा आंसर में। ए 100 watt electric bulb इज यूज फॉर 10 hours ए डे, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन 30 days। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 30 यूनिट, एक यूनिट कितनी होती है? 1 kilowatt hour की होती है। देखिए, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ये हम बात करें फिफ्थ शेड्यूल के बारे में, देखिए ये बात करता है इट रिलेट्स टू द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एरियाज इन द स्टेट अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स आर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, ये भी सही बात है। द गवर्नर इज नॉट ऑथराइज टू मेक रेगुलेशंस टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, ये ऑप्शन गलत है, गवर्नर के पास अथॉरिटी होती है। द गवर्नर्स ऑफ स्टेट इन विच देर आर शेड्यूल एरियाज हैव टू सबमिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज, ये भी सही बात है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, तो सी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इसका सही आंसर क्या है, फोर्थ वन, पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, तो ये स्टेटमेंट क्या है इसमें गलत है। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही है, जैसे पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, सही बात है, पार्लियामेंट में डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये भी सही बात है, पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। देखिए ये जो है, जस्ट वन सेकेंड, देखिए इसे मैंने थोड़ा गलत टिक कर दिया है, पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, तो पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ, तो डी ऑप्शन, सॉरी मैंने गलती से कर दिया, इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, और रिकमेंडेशन कौन करता है, रिकमेंडेशन ऑब्वियसली बात है वहां का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। अगला स्टेटमेंट है एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी जुडिशन एट द स्टेट लेवल, तो ये सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। अब बात करते हैं 70th क्वेश्चन की, 70th क्वेश्चन है Which one of the following forms the constitution contains the feature of both the unitary and federal constitution? इसका सही आंसर क्या है? Quasi federal structure. जो quasi federal है, ये जो है इसमें unitary और federal दोनों ही चीजें रहती हैं, ठीक है? इसलिए बोलते हैं quasi federal. मतलब ना तो पूरा federal है ना तो पूरा unitary है. मतलब quasi federal है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है Which one of the following Indian states has no international boundary? तो ऑब्वियस बात है छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बाकी बिहार, उत्तराखंड और मेघालय की इंटरनेशनल बाउंड्री है। अगला प्रश्न है विच वन द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन रिवर बैंक, तो इसका सही आंसर है भोपाल, बाकी जो है रिवर बैंक में है। अगला प्रश्न है वेयर आर झुमरी तलैया, काफी पॉपुलर नेम है झुमरी तलैया एंड मंदर हिल सिचुएटेड, तो ये कहाँ है, झारखंड में है। अगला प्रश्न है विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, देखिए डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, बिल्कुल सही है, रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वहां लेस होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, ये भी सही बात है, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, देखिए इतना ज्यादा हाई नहीं होता बट टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, तो इस हिसाब से देखा है तो ऑब्वियस बात है नॉर्थ की तुलना में तो डेफिनेटली हाई रहता है, इसीलिए ये बात सही है। अगला एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड, नहीं साउथ में कोई एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं फाउंड होता, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्स कंपोजिशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखिए इन सम कंट्रीज सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, सही है, इन इंडिया सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये भी ये सही है, ऑब्वियस बात है, एट वर्ल्ड लेवल सेक्स रेशियो इज अबाउट 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स, ये भी सही है, इन एशिया देयर इज हाई सेक्स रेशियो, नहीं ऐसा नहीं है, एशिया में सेक्स रेशियो कम है। अगला प्रश्न है हु इन द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को दिया महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न है विच वन अमंग द फॉलोइंग रीजंस इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, तो ये है मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है, सप्लायर है सिट्रस फ्रूट्स का, सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं। अगला प्रश्न है हु वेयर द नैनार्स, नैनार्स कौन थे, ये थे लीडर्स हु वेयर डिवोटीज ऑफ शिवा, तो डिवोटीज ऑफ शिवा वाज कॉल्ड एज नैनार्स, ओके। अगला प्रश्न है 79th क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट, एथनिक टेरिटोरियल सेगमेंट है, रिलेटेड ऑक्यूपेशनल पैटर्न है, तो इसमें आपको मैच करना है, इसका सही आंसर क्या है 3, 4, 1, 2, मैं मैच कराता हूं 3, 4, 1,
टू, ठीक है, मरुता मक्कल जो है ये रिलेट करता है प्लाउमैन से, कुरावन मक्कल रिलेट करता है हिल पीपल से, मुल्लई मक्कल रिलेट करता है पेस्टोरलिस्ट से, और नेटल मक्कल रिलेट करता है फिशिंग पीपल से। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यदि आप साउथ इंडिया से रिलेट नहीं करते तो दैट्स डिफिकल्ट फॉर नॉर्थ इंडियन गाइस। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वाज ए फॉलोअर ऑफ नक्स बंदिया लीडर ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर अहरर। इसका सही आंसर क्या है? बाबर, बाबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको इंप्लीमेंट करना है, कौन सबसे पहले हुआ? पहले हुआ कॉर्नवालिस कोड, उसके बाद में आया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया, उसके बाद में आया इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट उसके बाद में आया, और फिर इसके बाद में आया मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। तो थर्ड लास्ट नंबर पे आया मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये इसका सही क्रोनोलॉजी है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेशल प्रिविलेज टू नागालैंड। काफी सिंपल क्वेश्चन है, स्पेशल प्रिविलेज, प्रिविलेज का जो टॉपिक है उसमें ये सारी चीजें कवर्ड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ए जो है नागालैंड को है, फिर एन ए के बाद ए है, फिर एम है, फिर एम ए है, ठीक है, तो इसके बाद ए है, ये किसके लिए है? आंध्र प्रदेश के लिए है, ठीक है, फिर उसके बाद मणिपुर के लिए, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के लिए, ऐसे है कुछ। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हाउ मेनी जोनल काउंसिल वेयर सेटअप वाइड पार्ट थ्री ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो ये थी फाइव, ठीक है, फाइव जोनल काउंसिल सेटअप की गई थी। अगला प्रश्न है, 84th क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी एंसरेबल टू एनी कोर्ट इन इंडिया फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ हिज पावर्स ऑफ हिज ऑफिस। तो ये आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आर्टिकल भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विच लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये लिखा है आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। अगला प्रश्न है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया शैल नॉट एक्सीड। तो ये 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, 15% ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो ये है ड्राई समर, वहां का समर ड्राई होता है, ठीक है, लेकिन विंटर वहां का वेट होता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स टेक ए यू टर्न एट नामचाबरवा एंड इंटर्स इंडिया। तो कौन सी नदी है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द दत्त बारदेली बारदेली थेसिस। तो इसका सही आंसर है, इट वाज ए कम्युनिस्ट पार्टी डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द नेशनल कांग्रेस कुड प्ले ए ग्रेट पार्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट इन रियलाइजिंग द एंटी इंपीरियलिस्ट पीपल्स फ्रंट। अगला प्रश्न है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्लेग्स एंड पीपल्स। इसके ऑथर थे विलियम एच मैकनील। अगला प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज। ये स्टार्ट किया था लॉर्ड कर्जन ने इसको स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, चांदी मंगल वाज कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द 16th century CE। तो ये था बंगाली में, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में। अगला प्रश्न है, इन दिसंबर 1962 विच सोवियत लीडर डिक्लेयर दैट चाइना वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। किसने डिक्लेयर किया था? ये थे क्रूसेव, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर है, इट्स ऑब्जेक्टिव टू फोस्टर इनोवेशन। देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया था 2014 में, 2014 में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है इसमें। दूसरा स्टेटमेंट है, इट्स ऑब्जेक्टिव टू फोस्टर इनोवेशन, बिल्कुल सही बात है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें से कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके पास नहीं है? कर्नाटका इसके पास में है, तेलंगाना इसके पास भी है, जम्मू एंड कश्मीर, देखिए अभी रिसेंटली क्वेश्चन है ये, जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये स्टेट भी नहीं है, दिस इज लाइक यूनियन टेरेटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूनियन टेरेटरी है। तो अब इंडिया में सिर्फ कितने स्टेट है? 28 स्टेट्स, लेकिन यूनियन टेरेटरी इस समय इंडिया में 9 है, पहले 7 थी, अब बढ़ के 9 हो गई। लेकिन देखिए, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तेज प्रकाश देखा है तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो जाएगा,
96 क्वेश्चन, यस सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। इसमें दो स्टेट ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी लेकिन अब नहीं है, तो इस हिसाब से देखा तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, 96 क्वेश्चन विल बी डिलीटेड, या तो सभी को नंबर मिलेंगे इसके। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कौन सी इन्यूमरेटेड नहीं है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेफिनेटली ये फंडामेंटल राइट में नहीं है। ये जो है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये है डीपीएसपी में, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं है। बाकी जो है जस्ट टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल ड्यूटी में है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में है। लेकिन टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अगला प्रश्न है, हु एम द फॉलोइंग इन हिज बुक द मैनेजरियल रिवोल्यूशन आर्ग्यूड दैट ए मैनेजरियल क्लास डोमिनेटेड ऑल इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बट बोथ कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। ये बोला था जेम्स बर्नहैम ने। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ क्यो वारंटो इज नॉट करेक्ट। अब देखिए क्यो वारंटो के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। पहली बात है द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाई स्टैच्यूट, बिल्कुल सही बात है। द ऑफिस मस्ट बी सबस्टेंटिव वन, बिल्कुल सही बात है। देर हैज बीन ए कंट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैच्यूट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन द अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून विद ए स्टैच्यूटरी प्रोविजन, ये जो है ये करेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं कि स्टैच्यूटरी प्रोविजन को ट्यून कर रहा हो, ठीक है, लेकिन यदि उसको अपॉइंट किया गया है स्टैच्यूटरी प्रोविजन से, डेफिनेटली। जस्ट वन सेकेंड, देखिए हर एक ऑफिस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्टैच्यूटरी प्रोविजन में नहीं लिखा होता। बहुत सारी ऐसी ऑफिस होती हैं जिनका अपॉइंटमेंट स्टैच्यूटरी प्रोविजन में नहीं लिखा होता बट स्टिल उनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो हर एक चीज वो काउंट नहीं होगी, इसलिए डी ऑप्शन इसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। यदि आपको फर्दर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का मोटो क्या है? एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच वन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए डिपार्टमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज होता है इनके अंडर में, बॉर्डर मैनेजमेंट इनके अंडर में होता है, जम्मू एंड कश्मीर अफेयर अंडर में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताना है आपको। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। हम इसका भी हमारे यहाँ प्रोग्राम भी होने वाला है। अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज ए नोडल मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द यूनियन सीसीडी, नहीं नहीं ये ऑप्शन गलत है, इसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होती है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अंडर विच वन द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 112। अगला प्रश्न है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज फाउंडेड इन, कहाँ फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी ढाका में, याद रखिएगा फाउंड यहाँ पे ढाका में हुई थी, मतलब बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है, कौन नहीं है? कनाडा, कनाडा इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अगला प्रश्न है, द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज ए वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइंड डेवलप्ड ओन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द, ये इम्प्लीमेंटेड किया था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मैच करना है आपको, इंस्टीट्यूट दिया है उसका लोकेशन बताना है आपको, तो ये इसमें हम आपको आंसर बता देते हैं। इसमें 4321 इसका सही आंसर है, 4321। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहां पे है? यह है जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है कहां पर है? यह है कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहां पर है? यह बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है चेन्नई में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन को आप बाकी फ्यूचर में भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन्वेस्ट इंडिया इज करेक्ट, इन्वेस्ट इंडिया के बारे में कौन सा करेक्ट है? इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इट इज अ जॉइंट वेंचर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इट इज अ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, तो ये दोनों इसमें सही है, ठीक है, बोथ वन एंड टू ऑप्शन आर राइट। अगला प्रश्न है, द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी फंक्शन अंडर, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी किसके अंडर फंक्शन करती है? ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर में, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इन हाउ मेनी फेजेस वाज जनरल इलेक्शन 2019 कंडक्टेड इन इंडिया, तो कितने फेज हुए थे? सेवन फेज, सात फेज में हुआ था। अगला प्रश्न है, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इस्लामिक कॉपरेशन इज नॉट करेक्ट, देखिए इट्स परमानेंट सेक्रेटरी इज लोकेटेड जिद्दा, बिल्कुल सही है, इसका परमानेंट सेक्रेटरी जिद्दा में है। इट एंडेवर्स टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी अमंग वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है। इट इज द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, ऑब्वियस बात सी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो गया। इट इज ए कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव रिलेशन विद द यूनाइटेड नेशंस, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो गया, 112 का सी आंसर। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द इटालियन ओपन वुमेन्स टेनिस सिंगल टाइटल 2019, किसने जीता? कैरोलिना प्लिस्कोवा ने, और ये 114वां क्वेश्चन, 114th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन शिप्स पार्टिसिपेटेड इन द सिम्बैक्स 19, ये INS शिप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया था INS कोलकाता ने और INS शक्ति ने, INS विक्रांत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला प्रश्न है, ट्रिपल्स, ट्रिपल्स इज ए न्यू फॉर्मेट ऑफ, क्या है फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट है नया फॉर्मेट? बैडमिंटन का। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन डीपनिंग डिजिटल पेमेंट्स अपॉइंटेड बाय द RBI, तो ये है नंदन नीलकयानी, ठीक है, याद रखिए काफी महत्वपूर्ण कमेटी है। अगला प्रश्न है, द ससकावा अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन रिकॉग्निशन इज गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क डन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, डिजास्टर रिडक्शन इसका सही आंसर है, याद रखिए द ससकावा अवार्ड दिया जाता है डिजास्टर रिडक्शन में। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज इंडियाज जीएस लक्ष्मी इन न्यूज रिसेंटली, न्यूज में आई थी बिकॉज सी बिकेम द फर्स्ट फीमेल ICC मैच रेफरी, तो पहली ICC मैच रेफरी बनी है फीमेल। अगला प्रश्न है, हु इन द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फॉर द सेकेंड टर्म, तो ये है जोको विडोडो, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण नाम है जोको विडोडो। और ये आज का अंतिम प्रश्न, इन इंडिया May 21 इज ऑब्जर्व एज नेशनल एंटी टेररिज्म डे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा May 21, तो ये है 120 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है नीचे लिंक में आप मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको कितने नंबर आए नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और जल्दी हम कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे, तो उस कट ऑफ एनालिसिस को आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, तो कट ऑफ एनालिसिस हम जल्दी करने वाले हैं। और जिन फ्रेंड्स ने एप्टीट्यूड का पेपर दिया था, मैथ्स का पेपर दिया था, उनके लिए हम मैथ्स का भी आंसर की जल्दी अपलोड करने वाले हैं। सो सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।